Welcome back. After Maharashtra Congress Chief Nana Patole promised Shuddhikaran or purification of the Ram Mandir in Ayodhya, Prime Minister Modi launched a scathing attack at Patole and the Congress party. Addressing a rally in Jharkhand yesterday, Prime Minister Modi condemned Patole's remarks, linking it to President Draupadi Murmu's visit to Ram Mandir and questioned if such people even deserve to be in politics. Prime Minister Modi said that Patole's remarks expose the mindset of the Congress party and are an insult to the Tribal Society of India. Several other leaders of the BJP also lashed out at Patole and the Congress, saying that such remarks are reflective of the deep-seated discriminatory beliefs of the Congress party. राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और यह हमारा वक्तव्य नहीं है. हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार-बार कहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया गाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधिया होती है. लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए इन्हने गलत विधि के साथ ये सब वहाँ पर पूजा की है तो लोगों ने भी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया. अभी हमारे राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने वहां पूजा अर्चन करने गई थी और पूजा अर्चन करके आई. ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन ये कह रहा है. घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे. क्या एक आदिवासी प्रभु राम लला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है. मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है. हम का मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है, सोनिया गांधी. तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू सुख बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार. लेकिन अगर करने का कोशिश करेगा तो अंदर जाके बोलना पड़ेगा और तो जेल जाएगा. अगर राम मंदिर कोई टच भी करने का कोशिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से राम मंदिर बना है.